बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स की अपडेटेड एडिशन D2 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 10 स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आप नोट करें कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एडिशन क्या होती है। वो होती है कि अगर तीन नंबर ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं तो देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पर देखें कि ये इसने लेफ्ट हैंड साइड दे दी है। लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है 2/3, मल्टीप्लाई बी क्या दिया हुआ है 6/7, और सी क्या दिया हुआ है 9/10। इसकी वैल्यू इक्वल होगी, इसके वैल्यू के इक्वल होगी ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए क्या है हमारे पास 2/3, मल्टीप्लाई बी क्या है 6/7 प्लस, और ए फिर 2/3 मल्टीप्लाई सी क्या है 9/10 के इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं वो लेगा फाइंड कर लेते हैं। वो है 2/3 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस 9/10। अब हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर 2/3 एज इट इज लिख लेते हैं। और यहाँ पर नोट करें कि ये देखें 7 और 10 का एलसीएम 70 होता है, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 70 हो गया है हमारे पास। और नीचे वाली वैल्यू देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है, इसको 7 से और न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के 70 हो चुके हैं, तो अब हम ऊपर वाली वैल्यू लिख लेंगे 60 प्लस 7 9 63। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 123/70। इसको हम लिख सकते हैं 246/210। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं 2/6 2/3 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 9/10। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 टाइम्स 6 इज 12, 3 टाइम्स 7 इज 21 प्लस 2 टाइम 9 इज 18, 3 टाइम 10 इज 30। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम क्या होगा, और ये मेरे पास 7 1 7, तो ये मेरे पास आ गया 3 × 7 × 10 एलसीएम आ गया है। तो 10 टाइम 7 इज 70, 7 टाइम 3 इज 210, तो 210 एलसीएम है। तो अब मैंने इसको 210 बनाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 210 बनाना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 30 को 7 से, तो ये 210 हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम है वो मेरे पास आ जाएगा 210, और इसका सेम डिनोमिनेटर है दोनों का। अब ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 7 से करेंगे ताकि बैलेंस है। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 18 7 का 126। अब इसको ऐड करते हैं तो 246/210। अब आप नोट करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरीफाई हो गया कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड पे था और ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी ये राइट हैंड साइड पे था, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब हम इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है 8/13 मल्टीप्लाई 5/12 प्लस 2/24। यहाँ भी हमने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। यहाँ पर नोट करें कि इफ ए बी सी अगर थ्री मेंबर्स हैं रैशनल नंबर्स के, तो
देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हम यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज दी हुई हैं, ए की 8/13 है और बी की वैल्यू है 5/12 और सी हमारे पास है 2/24। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 8/13 एज इट इज लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। अब आप देखें कि ये है 5/12 प्लस 2/24, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 1 2 और 2 12 24 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 5/12 प्लस 1/12। अब हम 8/13 एज इट इज लिख देते हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो ये 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6/12 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई है, सॉरी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8/48 एंड 13/12 156। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, इनके राउंड ब्रैकेट्स हैं तो ए की वैल्यू आपको तो मालूम है कि यहाँ पर ए हमने रखा हुआ था 8/13 मल्टीप्लाई 5/12 प्लस, अब नेक्स्ट है हमारे पास ए कितना है 8/13 और सी है 2/24। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 टाइम्स 5 इज 40 एंड 13 टाइम्स 12 इज 156 प्लस कर लेंगे। अब इसको भी 2 पे डिवाइड करें अगर हम 2 अंदर 2 2 12 आर 24, तो अब आप देखें कि ये 8 मल्टीप्लाई 1 8 आ जाएगा और 13 मल्टीप्लाई 12 156 हो जाएगा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 48/156। तो ये राइट हैंड साइड आ गई है और लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, आंसर सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का भी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये थी ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी और यहाँ पर ये आ गई है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, और ये प्रूफ हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अवर एडिशन। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 11, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट ए 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई -0.16/1.2। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है अगर आप न्यूमिरेटर को नोट करें कि न्यूमिरेटर का डेसिमल प्लेस जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर का डेसिमल प्लेस 1 है, आप फर्स्टली इन दोनों के डेसिमल प्लेस सेम करने के लिए डिनोमिनेटर में 0 लगाते हैं, तो अब इससे क्या होगा कि इनके डेसिमल प्लेस सेम हो जाएंगे, अब इसकी कैंसिलेशन इजी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर -0.16/1.2, यहाँ देखिए न्यूमिरेटर में कितना डेसिमल प्लेस, 1 एंड 2 टू डिजिट्स हैं राइट साइड पे और यहाँ पर 1 डिजिट है राइट साइड पे, तो 1 0 और लगाकर हम बैलेंस कर लेते हैं। अब आप देखें कि इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनके डेसिमल प्लेस सेम हो गए हैं तो ये डेसिमल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये 15/50 आ जाएगा और मल्टीप्लाई इसको हम लिख सकते हैं 16/120, ये डेसिमल इस डेसिमल से कैंसिल हो गया और माइनस हम एज इट इज लिख देते हैं। 15/50 को सिंप्लीफाई करते हैं, आप देखें कि ये 5 पर डिविजिबल है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर भी 5 पर डिविजिबल है, तो ये क्या आ जाएगा 3/10, 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 टाइम 10 इज 50। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 16 को अब हम 8 से डिवाइड करते हैं हम इसको, तो ये 8 टाइम 60, 8 टाइम 2 इज 16
और इसको भी 8 से डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर को, तो 120 को 8 1 8 8 5 15, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है -2/15। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टाइम्स 2 इज -6 एंड 10 टाइम्स 15 इज 150। अब आप नोट करें कि इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको -6/150 को आप देखें ये 6 पे डिविजिबल है और डिनोमिनेटर भी 6 पे डिविजिबल है, तो ये 6 टाइम 1 इज 6, अब ये 6 टाइम 2 इज 12 एंड 3 रिमाइंडर, तो 36 5 30, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1/25 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बी पार्ट सॉल्व करते हैं, एवेल्युएट 0.027/0.03 मल्टीप्लाई 1.4/-0.18। अब आप देखें कि फर्स्ट फ्रैक्शन है 0.027 और इसका कितना डेसिमल प्लेस है, देखें नोट करें 1, 2 एंड 3, और नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो 0.03 है, इसका डेसिमल प्लेस 2 है, राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, तो अगर हम एक लगा और 0 लगा दें एंड पे तो क्या होगा कि इनके डेसिमल प्लेस इक्वल हो जाएंगे और सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखें यहाँ पर 1.4 है और नीचे 0.18 है, अब इनके डेसिमल प्लेस को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर में 0.12 डेसिमल प्लेस है, डिनोमिनेटर का राइट साइड पे 2 डिजिट्स है, यहाँ पर राइट पे 1 है, पॉइंट के बाद 4 सिर्फ आ रहा है, तो एक और 0 लगाकर हम बैलेंस कर लेंगे। और माइनस जब भी डिवाइड होता है न्यूमिरेटर वैल्यू से तो उसका साइन न्यूमिरेटर में हम लगा लेते हैं और -1.4 लिख लेंगे। अब डेसिमल डेसिमल से कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 27/30 और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, हम यहाँ पहले लिख लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 1.40 को अगर मैं कैंसिल कर दूं डेसिमल डेसिमल से तो ये हो जाएगा 140/18। अब आप नोट करें कि हमने ये 30 आ गया है और इसको अगर मैं डिवाइड करूं 27 जो है ये किससे डिवाइड होता है 9 से, अब आप देखें कि न्यूमिरेटर में जो वैल्यू 9 से डिविजिबल है डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है 18, तो इस तरह हम कैंसिलेशन कर सकते हैं अगर दरमियान में फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई हो, ये जहन में रखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर प्लस होगा फिर ऐसे कैंसिलेशन क्रॉस नहीं हो सकती, तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे और इधर भी डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे और इसी तरह ये 0 इज 0 से 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 9 3 27 -3/3 मल्टीप्लाई 14/9 टाइम्स 2 इज 18, 2 आ गया है, अब 3 3 से कैंसिल हो गया है 3 1 3 और यहाँ पर 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 7 इज 7, अब आप देखें -1/7 -7, 1/1 1, तो आंसर आ जाएगा -7। अब हम आते हैं सी पार्ट पे, पार्ट सी -0.4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई -1.3/0.8। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस एज इट इज लिख देंगे और ये है 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, अगर आप नोट करें कि ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं है इसलिए हमने माइनस इनके साथ नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई, अब ये डेसिमल डेसिमल से कैंसिल हो सकता है, मैंने बताया था अगर डेसिमल प्लेस न्यूमिरेटर का और डिनोमिनेटर का सेम है तो हम इसको लिख देंगे -13/8 लिख लेते हैं हम। अब हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं और -0.62 एज इट इज लिख लेते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -0.4, तो जब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और डेसिमल प्लेस मल्टीप्लाई में डेसिमल प्लेस ऐड हो जाते हैं, इसका 1 है और इसका भी 1, 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.16 मल्टीप्लाई 13/8।
अब आप नोट करें कि यहां पर इसको मैं 13 को 16 से मल्टीप्लाई अगर कर लूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 13 6 17 और 13 1 13, तो ये 20 आ गया है हमारे पास, 208। और डेसिमल प्लेस कितना है देखें, यहाँ पर 2 है और इसका डेसिमल प्लेस कोई नहीं है, तो हम 2 इसका डेसिमल प्लेस कर देंगे, 2.08। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2.08 आवर 8 माइनस 0.62। ये अब आप देखें कि इसका डेसिमल प्लेस सेम कर लेते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि क्या करना है कि अगर आपने न्यूमिरेटर का डेसिमल प्लेस 2 है तो इसको भी 2 कर सकते हैं। यहाँ इसका कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसका मतलब होता है 8 को हम लिख सकते हैं 8.0 या 8.00, तो हम इसको लिख लेंगे 8.00। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये डेसिमल कैंसिल हो गया। अब आप इसको 208 आवर 100 800 कर लेते हैं। 8 टाइम्स 100 इज 800, इसको डिवाइडेड बाय 8 किया हमने, और ये 8 से करेंगे, 8 1 8 2 16, 4 आया, 8 6 48, तो कितना हो गया बच्चों, 26 आवर 100 माइनस 0.62। अब आप देखो कि यहाँ पर 26 को 100 से डिवाइड करें तो क्या होता है कि 0.26 आ जाएगा। डेसिमल प्लेस इसका इस वक्त राइट साइड पे मौजूद है। यहाँ पर आप 2 डिजिट्स जो है राइट से लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे, कितने 0 है, 1 2, तो ये आ जाएगा 0.26। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप इसको डिवाइड करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 0.26 आ जाएगा। और माइनस 0.62 एज इट इज लिख लेंगे। अब माइनस 0.62 में से 0.26 को ये माइनस है ये प्लस है, सिंप्लीफाई करेंगे। डेसिमल प्लेस प्लस माइनस में सेम होने चाहिए, जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं सेम है, तो अब हम सबट्रैक्ट करते हैं, 12 में 6 गए 6, यहाँ रह गए 5 और 5 में से 2 गए 3, तो -0.362 माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो -0.36 इज द आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट डी, -0.2 होल पावर 3 × 27 1.6 + 0.105। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं -0.2 × -0.2 − 0.2, क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो हम इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और −27 1.6 + 0.105 एज इट इज लिख लेते हैं। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 × 4 4 × 8, लेकिन डेसिमल प्लेस कितना बनेगा, यहाँ इसका 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 3 डेसिमल प्लेस आ जाएगा, तो हम यहाँ 2 0 लगाकर इस नंबर का डेसिमल प्लेस 3 कर देंगे और −27 आवर 1.6 लिख देंगे। अब आप नोट करें कि इसको 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 8 टाइम 7 इज 56, 8 टाइम 2 इज 16, 16 और 5 216, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 216, और डेसिमल प्लेस कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये 1 2 3 इधर आ गया, और डिवाइडेड बाय 1.6 + 1 0.105। अब आप देखो कि मैंने बताया था कि इनका डेसिमल प्लेस सेम करेंगे, यहाँ इसको मैं 0.216 का और ये 1.6 का डेसिमल प्लेस सेम करने के लिए यहाँ 2 0 लगा देता हूँ, दोनों का डेसिमल प्लेस सेम हो गया, और ये हो गया 216 / 1600 + 0.105। अब आप नोट करें कि ये 8 पे अगर हम नोट करें डिविजिबल है, इसको डिवाइडेड बाय 8 ऊपर भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8 नीचे भी, 8 2 16 और 8 7 56 आ गया है, ये आ गया है -27 आवर
8 टाइम्स 2 इज 6, 16 और 2 0 7 आ गए, 200 प्लस 0.105 लिख देंगे। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 27 वो 200 से। ये डिविजिबल कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा दूं तो अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 0.200 टाइम्स 1 इज 200, 70 एज इट इज आ जाएगा, और एक जीरो ऑटोमेटिकली आपको पता है आता जाता है, 70 200 टाइम्स 3 इज 600। और ये हमारे पास फिर एक जीरो हम नीचे लिख लेंगे, और 200 टाइम्स 5 इज 1000, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0-0.135 प्लस 0.105। इसको मैं यहाँ लिख लेते हैं -0.135। बिगर वैल्यू हमेशा ऊपर रखते हैं जब भी आपने कैलकुलेशन करनी होती है। और अब आप देखें कि 5 में से 5 माइनस हुए 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0 0, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.03। माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, -0.03 हमारा आंसर आ जाएगा। 1A का क्वेश्चन नंबर 13, हम नादिया स्पेंट ए टोटल ऑफ 8 1 आवर 16 आवर्स ऑन कम्युनिटी सर्विस लास्ट ईयर, गिवन दैट हर विजिट टू ओल्ड फोक होम मेड अप ऑफ 4 आवर 7 ऑफ टोटल टाइम ऑन कम्युनिटी सर्विस, फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग ओल्ड फोक्स होम। एक बात याद रखें, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो वर्ड प्रॉब्लम में जहां भी नंबर्स आ रहे हैं और उससे पहले की स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लें। यहाँ पर क्या है कि स्पेंट अमाउंट कितनी है, टोटल ऑफ 8 1 16 और इसने स्पेंट किए हैं लास्ट ईयर, और किस पे किए हैं, और उसका जो विजिट था टू दी ओल्ड फोक होम्स में, वहां पर उसने 4 आवर 7 ऑफ टोटल टाइम किया है ऑन कम्युनिटी सर्विस। फाइंड द अमाउंट, ये हम अंडरलाइन कर लेते हैं, फाइंड द अमाउंट शी स्पेंट ऑन अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग ओल्ड फोक। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल स्पेंडिंग टाइम लिख लें या टोटल टाइम लिख लें, एक ही बात है। तो इसका टाइम है 8 1 आवर 16। अब आप नोट करें कि उसमें हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग ओल्ड फोक होम। तो स्पेंडिंग टाइम ऑन ओल्ड फोक्स होम, तो ये कितना है टाइम, देखें ये टोटल टाइम है 4 आवर 7, स्टेटमेंट में हम लिख लेंगे ऑफ टोटल, ऑफ मीन मल्टीप्लाई टोटल टाइम। अब टोटल टाइम को आप यहाँ पर स्टेटमेंट में अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, तो अब हम इसको बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 आवर 7 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और टोटल टाइम कितना है 8 1 आवर 16। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम मल्टीप्लीकेशन या एडिशन करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, तो 16 टाइम 8 जो है 128 आवर 16 प्लस 1, तो 129 आवर 16 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने बताया था कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर सेम किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 4 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है और ये 16 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस जो है कैंसिलेशन कर सकते हैं अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो, तो 4 1s are 4 आ जाएगा, 7 as it is आ जाएगा, 129 आवर। अब 4 times 4 is 16, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब हम इसको इसको लिख लेंगे 120, ये 7 से डिवाइड 129 नहीं होता, तो हम 1 को 129 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 7 को 4 से, तो ये 28 आ गया है। अब हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं, 28 को 4 से करूंगा तो 4 8s are 32, 3 आ गया, 4 2s are 8 और 3 112, तो 3 से आ जाएगा 112।
और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से ये 17 आ गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 28 डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिरेटर, और आंसर 3 आ गया, 3 17 20 17 over 28 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर्स पार्ट ए एब्सोल्यूट -9। अब आप देखें कि यहां पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसका वो विदाउट साइन, यहाँ पर साइन नहीं है, तो ये 9 ही रहती है वैल्यू, ये 9 रहेगी, और इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ दिस नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, नंबर लाइन में अगर हम इस डिस्टेंस को मार्क करें तो ओरिजिन मीन 0, 0 से इसका जो डिस्टेंस है वो 9 है। इसी तरह 6 -3 का भी पॉजिटिव 3 आता है, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव 3, ओनली 3 आ जाएगी। लेकिन जो सी पार्ट है -5 -7, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो -12 आएगा, और इसकी जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिखूंगा तो वो विदाउट साइन जो इसका डिस्टेंस है 0 से नंबर लाइन पे वो 12 है, तो वो 12 लिख देंगे हम, तो हम यहाँ लिख देंगे -12 की जगह 12। और लास्ट पार्ट है हमारा डी, और डी में दिया हुआ है -11 -3, ये भी बिल्कुल पार्ट सी की तरह है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया -14, और इसकी जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी तो विदाउट साइन जो नंबर वैल्यू है वो आंसर है 14, इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1A के एडवांस लेवल का क्वेश्चन 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज फ्रैक्शंस। यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इन फ्रैक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 5 times 4 is 20 plus 3, 23 over 4, और सेकेंड फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 6 times 2 12 plus 5 17 over 6 +(-)23 over 15 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, -(-)10 times 4 is 40, 40 plus 7 is 47 over 10। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, तो 2 to the 4, 4 to the 12, 12 to the 16। बेसिकली इसका एलसीएम क्या आ गया है, 60 आ गया है, तो हम यहाँ पर 60 लिख लेते हैं। और अब आपको ये मालूम है कि 60 इस 4 का डिनोमिनेटर 60 कब बनेगा, अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी 60 को 4 से डिवाइड करूँ तो क्या होता है 15, तो 15 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा, और मैं डिनोमिनेटर में मैंने सिर्फ 15 से किया है तो न्यूमिरेटर में भी 15 से करूंगा मैं मल्टीप्लाई। इसी तरह 60 को 6 times 10 is 60 होता है, तो इसको अगर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और न्यूमिरेटर को भी 10 से कर देंगे। 15 times 4 60 होता है, 4 से भी इसको इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिरेटर को भी, 10 times 6 is 60, इसको 6 से और 47 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 15 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 345 आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। -70 को 10 से करेंगे 170 हो जाएगा, और 23 को 4 से करेंगे 92 हो जाएगा, और 47 को 6 से करेंगे तो 282 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब हम 5 में से -170 माइनस करेंगे, 175 प्लस में आएगी वैल्यू, अब 175 से 92 को माइनस करते हैं तो 83, तो +83 में से को और 282 को प्लस कर लेंगे, 282 plus 83 तो 365 over 60। अब आप देखें कि ये दोनों नंबर 5 पर डिविजिबल हैं,
हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 7s are 35, 5 3s are 15, और ये आ जाएगा 5 12s are 16। तो अब हम इसको 73 को 6 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखें कि 73 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 6s are 72, तो 1 रिमाइंडर, तो हम 6 1 our 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 16 सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लेंगे वो वैल्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल मनी कितनी दी हुई है, वो अमाउंट कोई नहीं दी हुई, यहाँ शेयर जो दिया हुआ है उसको अगर मैं अंडरलाइन करूँ तो टोटल शेयर सम ऑफ मनी यहाँ पर नहीं है, तो हम उसको सपोज कर लेंगे 1। तो यहाँ मैं लिख लूंगा, लेट कर लूंगा, लेट टोटल अमाउंट 1। ठीक है, तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपने जो अहम पार्ट है उसको अंडरलाइन कर लिया, अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे कि उसको लेट कर लेंगे, लेट टोटल मनी इज 1। और इसके बाद हमने क्या करना है कि फरहान टेक्स 1 over 5 ऑफ सम ऑफ मनी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फरहान शेयर, तो फरहान का शेयर क्या बनेगा 1 over 5, किसका 1 over 5, 1 का, तो ये लिखेंगे 1 over 5 ऑफ 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 over 5। उसके बाद वो कहता है कि आफ्टर फरहान टेक शेयर हुसैन, अब देखिए यहाँ पर हुसैन क्या ले रहा है, 1 over 3 ले रहा है रिमेनिंग अमाउंट का, तो पहले रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिमेनिंग मनी और उसकी वैल्यू हम देखते हैं वो क्या बनेगी, तो देखो टोटल मनी कितनी थी 1, तो ये हो जाएगी 1 minus 1 over 5। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर को 1 लिख लें, तो अब इसमें देखें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 आ गया है, और ये 5 minus 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 over 5, तो रिमेनिंग मनी कितनी होगी 4 over 5, तो हुसैन का शेयर कितना है 1 over 3 ऑफ द रिमेनिंग मनी, तो यहाँ पर हम हुसैन का शेयर लिख लेते हैं, हुसैन शेयर्स 1 over 3 ऑफ रिमेनिंग मनी, तो रिमेनिंग मनी जो है यहाँ मैं रिमेनिंग लिख लेता हूँ, तो देखो 1 over 3 ऑफ रिमेनिंग क्या बन जाएगी 1 over 3 multiply 4 over 5, तो ये में अमाउंट बन जाएगी 4 over 15। अब वो कहता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अनुषा टेक्स 1 over 4 ऑफ द रिमेनिंग मनी, अब रिमेनिंग फिर इसका रिमेनिंग निकाल लेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी, रिमेनिंग वो टोटल मनी कितनी रह चुकी थी पहले 4 over 5, अब 4 over 5 में से 4 over 15 किसने ले लिए, हुसैन ने, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 over 15। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 over 5 है और ये 4 over 15 है, इसके डिनोमिनेटर को मैं अगर सेम करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है सेम हो जाए, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं माइनस लिख दिया और 4 over 15 है, तो लिख दिया, अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम सेम डिनोमिनेटर लिख दिया और 12 minus 4 over 15, तो आंसर क्या आ गया 8 over 15 हमारा अमाउंट आ गई रिमेनिंग मनी, तो अनुशे का जो शेयर होगा वो क्या बनेगा, अनुशे हम यहाँ लिखेंगे अनुशे शेयर कितना होगा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 1 over 4 ऑफ रिमेनिंग मनी, तो यहाँ पर रिमेनिंग मनी कितनी है 8 over 15, तो हम लिख देंगे 1 over 4 multiply 8 over 15, तो अब आप देखें कि ये क्या हो जाएगा 4, अब ये डिविजिबल है, 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 18, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर को डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से अगर
डायगनली भी कर सकते हैं अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो, तो ये हो जाएगा 2/15। अब हमारे पास जो रिमेनिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में अनुच्छेद सारा टेक्स 1/7 ऑफ द रिमेनिंग। अब आप देखें, फिर आपने रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है किस इसमें, तो सबसे पहले हम रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग मनी आफ्टर इनिशियल शेयर, रिमेनिंग मनी, अब देखो कितनी पहले क्या थी अमाउंट हमारे पास, जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी, अब 8/15 में से हम माइनस कर देंगे 2/15, तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, सेम डिनोमिनेटर है तो 15 एज इट इज आ जाएगा। 8 - 6, 2 जो होता है 6 होता है, तो 6/15। अब 2s are 6 एंड 3 5s are 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट में वो ये जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि सारा टेक्स 1/7 ऑफ रिमेनिंग, तो हम यहाँ लिख लेंगे सारा शेयर वो है 1/7 ऑफ रिमेनिंग, तो यहाँ लिख लेंगे 1/7 ऑफ रिमेनिंग कितनी, देखो रिमेनिंग है 2/5, तो 2/5 लिख लेते हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगी 2/7 5s are 35। और लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि आफ्टर सारा टेक्स टेकन अ शेयर सलमान टेक्स ऑल ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, तो सलमान का जो शेयर बनेगा वो क्या बनेगा, सलमान शेयर कितना बनेगा। अब देखें हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट थी, लास्ट रिमेनिंग अमाउंट वो ये वाली है, उसमें से माइनस कर देना है 2/5 में से 2/35 को हमने माइनस कर देना है हमेशा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 35 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 35, सेम डिनोमिनेटर हो चुका है, तो ये हो गई है 35, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 14 - 2, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12/35। ये हमारा टोटल शेयर है जो सलमान गेट करेगा, सलमान की अमाउंट आ जाएगी।